इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? इसकी सजा मिलेगी। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। ओम हिम कालिकाय नमः। ओम हिम कालिकाय नमः। ओम हिम कालिकाय नमः। यूपी के रहने वाले गढ़ा परिवार खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। गढ़ा परिवार के बड़े बेटे जगत धार्मिक स्वभाव के थे। हमेशा पूजा पाठ करना, भगवान की आराधना करना, ये उनका रोज का काम था। जगत की पत्नी राजेश्वरी भी अपने पति की तरह ही धार्मिक और अन्नपूर्णा थी। वो किचन में अपना काम कर रही थी। अपनी पूजा पाठ खत्म करके जगत नीचे आया। राजेश्वरी, नाश्ता तैयार है क्या? जी हाँ, अभी लाई। थोड़ी देर में राजेश्वरी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि बाहर दरवाजे से एक आवाज आई, भैया भाभी मैं आ गया। चेतन को सामने देख जगत और राजेश्वरी दोनों ही खुश हो गए। चेतन मुंबई में पढ़ाई के लिए गया था। अरे चेतन, तुम यहाँ कैसे? ना कोई फोन ना मैसेज। देवर जी, पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो आपके लिए कुछ मीठा बना कर रखती। भाभी, आपने जो भी बनाया होगा वो अच्छा ही होगा। अब जल्दी से नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है। राजेश्वरी ने भगवान का प्रसाद पहले सबको दिया। जगत ने प्रसाद खाया। राजेश्वरी ने जैसे ही चेतन के हाथ पर प्रसाद रखा, प्रसाद उसके हाथों से छूट गया। सॉरी भाभी, गलती से गिर गया। ऐसा कहकर चेतन ने अपनी नाश्ते की प्लेट उठाई और वो अपने कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका हाथ काला नीला पड़ गया है और उसके हाथ पर जख्म भी हुई है, मानो किसी ने जलता हुआ कोयला हाथ में रखा हो। रात के वक्त जब राजेश्वरी चेतन को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो चेतन ने दरवाजा नहीं खोला। देवर जी, दरवाजा खोलिए, नीचे खाना खाने आ जाइए, आपके भैया इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए और खाना खा लीजिए। चेतन की बात सुन राजेश्वरी को थोड़ा अजीब लगा, वो नीचे आ गई। अगले दिन जब चेतन नीचे आया तो उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। क्या हुआ चेतन, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द और बदन दर्द हो रहा है। चेतन, जब मैं माँ काली की आरती कर रहा था तो तुम्हारे कमरे से चीख की आवाज सुनी। चीख की आवाज मेरे कमरे से? नहीं तो, मैं तो बाथरूम में था। हाँ, वो टीवी ऑन था, शायद उसकी आवाज आई होगी आपको। चेतन ने फटाफट नाश्ता किया और वो घर से निकल पड़ा। उसी वक्त उसे एक कॉल आया कि उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर हुई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसने ये खबर अपने परिवार को दी, सब बहुत खुश हुए। अगले दिन जगत को पता चला कि जिस प्रॉपर्टी को वो खरीदना चाहता था उसी प्रॉपर्टी का मालिक उसे चेतन को बेचने के लिए तैयार है, वो भी चेतन की कही कीमत पर। क्या बात है, मेरे तो भाग्य ही खोल गए, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चेतन पर जैसे उसके छाए हावी हो गई हो, लेकिन वो काला साया। ये मत भूलो कि ये सब तुम्हें मेरी वजह से मिल रहा है, अब तुम्हें भी मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। नहीं नहीं, नहीं भूला हूँ। उस रात चेतन देर रात तक घर वापस आया। वो घर के अंदर गया और उसने बैग में से एक पोटली निकाली, उसमें जो राख थी वो हाथ में लेकर घर के हर एक कोने में भोंकने लगा। कुछ पल के लिए पूरे घर में धुआं धुआं हो गया और फिर सब नॉर्मल हो गया। चेतन वापस अपने कमरे में गया, तभी उसके पीछे एक औरत का काला साया। तुमने जो कहा मैंने वैसा ही किया, अब तो मुझे छोड़ दो। काले साए की डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी और चेतन के चिल्लाने की आवाज भी। अगले दिन घर का पूरा माहौल बदला हुआ था। जगत का काली माता के पूजा में मन नहीं लग रहा था। राजेश्वरी का भी पूरा बदन दर्द करने लगा था, वो बिस्तर से उठ ही नहीं रही थी। चेतन जब हॉल में आया तो जगत और राजेश्वरी को हॉल में ना देख वो उन्हें आवाज देने लगा, भैया भाभी कहाँ हो आप दोनों? तभी वहां जगत आ गया। राजेश्वरी को अब तक सोता देख वो कमरे में गया। कमरे में देखा तो राजेश्वरी बिस्तर पर सो रही थी।
उसका बदन गरम आग की तरह तप रहा था। कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है? चेतन के चेहरे के भाव बदल गए, उसे ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। जगत राजेश्वरी को हॉस्पिटल लेकर गया। उसी दिन आधी रात को चेतन घर से बाहर निकला और घाटी नाम के शमशान के पास पहुंचा और जोर जोर से किसी को आवाज देने लगा। कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, सामने आओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सब करने के लिए तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। हंसना बंद करो और मेरे सामने आओ। तभी एक औरत का गाना साया चेतन के सामने आया और उसने चेतन का गला दबाया और उसे जमीन से कुछ फीट ऊपर उठाया। अगर तुम अपने मन की करना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा, नहीं तो उसका अंजाम तुम जानते हो। भूतनी ने चेतन को जमीन पर पटका और वहां से गायब हो गई। चेतन जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके भाई की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है और उसकी भाभी बेवजह रोती जा रही है। चेतन ने राजेश्वरी को चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ, कौन से पाप की सजा दे रही है माँ काली हमें। भैया आपने कभी कोई पाप नहीं किया है, शायद हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा हो। मुझे मेरी चिंता नहीं है चेतन, लेकिन तुम्हारी भाभी अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी है। अपने मन से हंसती है, अपने मन में रोती है, कभी भी बीमार पड़ती है, ना जाने क्या हुआ है उसे। मेरी राजेश्वरी ऐसा कभी नहीं थी। भाभी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। चेतन को पता था कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। कुछ ही हफ्ते में ही गड़ा परिवार की तस्वीर ही बदल गई। हमेशा तंदुरुस्त रहने वाले जगत अब लाठी के सहारे चलने लगे थे। हमेशा मुस्कुराने वाली राजेश्वरी जैसे हंसना ही भूल गई हो। दोनों के चेहरे भी मुरझा गए थे और उस आत्मा की इच्छाएं पूरी करते करते चेतन का चेहरा भी सफेद हो गया था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ना मैं किसी चीज का लालच करता, ना आज किसी को इतनी तकलीफ होती। तभी वहां गुस्सा आ जाती है। ये रोना धोना बंद करो और मेरी इच्छा पूरी करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। गुस्से में उस साहिर की आंखें लाल होने लगी और वो चेतन के ऊपर झपट पड़ी। अगली सुबह चेतन की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने देखा कि उसके भाई और भाभी ने भी बिस्तर पकड़ लिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। ये क्या हो गया मुझसे, मैंने सब बर्बाद कर दिया। कुछ तो रास्ता होगा इन सबसे छुटकारा पाने का, कुछ तो। तभी उसे जगत के चिल्लाने की आवाज आती है। राजेश्वरी ये क्या कर रही हो तुम, शांत हो जाओ राजेश्वरी। चेतन जल्दी आओ चेतन। चेतन भागता हुआ जगत के कमरे में गया और सामने का नजारा देख उसकी रोंग कांप गई। राजेश्वरी का पूरा शरीर सफेद पड़ गया था और वो अपने ही हाथ से अपने शरीर को नोच रही थी। ये कोई बीमारी नहीं है, जरूर किसी ने हमारे घर पर काला जादू किया है। ये बात सुन चेतन हक्का बक्का रह गया। काला जादू, ये आप क्या कह रहे हो, आप तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते ना। चेतन मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और मैं चुप रहूं, तुम ही बताओ कैसे विश्वास ना करूं। राजेश्वरी लगातार अपना शरीर अपने हाथों से नोच रही थी। नहीं अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जगत ने चेतन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर आया, कमरा बाहर से बंद किया और एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि तांत्रिक बाबा साधना में लीन थे। उनके बाजू में चारों ओर एक घेरा बना हुआ था। जगत तो घेरे के अंदर चला गया लेकिन चेतन ने जैसे ही घेरे के ऊपर पांव रखा उसका पांव आग से जल गया। क्या हुआ चेतन, यहाँ आओ। नहीं भैया मैं यहीं ठीक हूँ। बोलो क्यों आए हो यहाँ। जगत ने अपनी आप बीती तांत्रिक को सुनाई। तांत्रिक को थोड़ा गुस्सा आया। वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, महाशक्तिशाली महाकाय शाकिनी है। लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है बाबा, हमने क्या किया है? ये तो तुम अपने छोटे भाई से ही पूछ लो कि ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है। चेतन का नाम सुनकर जगत सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने यह सब किया है। तांत्रिक बाबा ने बताया कि शाकिनी को वश में करने की ताकत उसमें नहीं है।